पड़ेगी तो जो ज्यादा ग्लो करेगी, चमक आएगी, कम से कम लाइट में भी रहेगी। हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हो आप सब। मैं आपको ये सारा मेला दिखाऊंगा इस ब्लॉग के द्वारा, तो आप भी देखिए कौन सी शॉप्स, कौन से क्राफ्ट यहाँ पर मिलते हैं। और एक तरफ पे एक कल्चरल प्रोग्राम चल रहा है, वो भी हम आपको दिखाएंगे। अब 20 से ज़्यादा स्टेट से लोग यहाँ पर आए हैं और वो अपने बारे में कुछ बता रहे हैं, अपने जो कल्चरल उनके डांस है वो दिखा रहे हैं, और जिस जिस स्टेट में जो जो चीज़ें वो बनाते हैं, उनका क्राफ्ट है, जो उनकी स्पेशलिटी है, वो सारी चीज़ें यहाँ पर हैं। तो आप उसको देख भी सकते हो वो कैसे तैयार करते हैं, और ख़रीद भी सकते हो। और कई शॉप्स ऐसी हैं जो फिक्स प्राइस हैं, और कहीं पे आप बार्गेनिंग करके अच्छा मार्जिन ले सकते हो। तो दोस्तों, अभी हम अंदर चलते हैं और आपको दिखाते हैं इस मेले के बारे में, जिसको इन्होंने इस बार नाम दिया है क्राफ्ट बाज़ार, लेकिन इसका पहले नाम होता था सरस मेला। और ये है लाजवंती स्टेडियम में, लगभग एक हफ्ता तक ये रहेगा। तो चलिए अंदर चलते हैं और देखते हैं इस मेले के बारे में, जिसको इन्होंने क्राफ्ट बाज़ार कहा है। तो चलिए चलते हैं अंदर। तो अभी हम आपको आगे लेके जाएंगे और इसके बारे में दिखाएंगे कि और कौन कौन सी चीज़ें हैं।
दोस्तों इस टाइम हम आ गए हैं एक शॉप पे। यहाँ पर बहुत सी अच्छी अच्छी पेंटिंग है। इसके बारे में यहाँ की शॉप के जो ओनर हैं उनसे जानते हैं, थोड़ा पूछते हैं कि ये कौन सी पेंटिंग है, किस टाइप की पेंटिंग है, तो उनसे बातचीत करते हैं। भाई साहब हेलो, क्या हाल है? नमस्ते सर। ओके, तो आप थोड़ा सा मुझे बताइए कि ये पेंटिंग कौन सी है। मैं कैमरा चेंज करता हूँ, ठीक है? तो ये किस टाइप की पेंटिंग है भैया? मैं किशनगढ़ राजस्थान अजमेर नियर टू किशनगढ़ अरविंद आर्टिस्ट। मेरा काम है पेंटिंग बनाने का काम है। मैं पेंटिंग लाया हूँ, पोस्ट कार्ड पेंटिंग, जैसे पोस्ट कार्ड पेंटिंग होती है ओल्ड और मिनीचर पेंटिंग होता है राधाकृष्ण वगैरह, बट मैं खुद बनाता हूँ ये पेंटिंग। वो सामने आपकी पेंटिंग्स बहुत अच्छी लगी हैं जी, वो उसके बारे में बताओगे थोड़ा सा? वेलवेट क्लॉथ है, वाटर कलर रेडियम कलर पेंटिंग है, जितना लाइट डालेंगे उतना ग्लो करेगी। ओके ओके, मतलब आपका मानना है कि जब इस पे लाइट पड़ेगी तो जो ज्यादा ग्लो करेगी, चमक आएगी, कम से कम लाइट में भी रहेगी। तो ये ऐसी लगती है कि इसको फ्रेम भी करते हो आप? लेमिनेट करा लो, फ्रेम करा लो, ऐसे भी सेलो टेप से लगा के पन्नी डालो। तो क्या कॉस्ट होगी इसकी, साइज के हिसाब से? 250, 450, 650। ओके, बार्गेनिंग कर सकते हैं? लास्ट रेट आई से आर्टिसन रेट में। ओके थैंक यू। ओके ये बातें बकरों को ले बनने जाने दे ताजे मारे।
खट्टा है, मीठा है, दही है, चटनी मिर्ची अलग है, हरी चटनी अलग है, okay. दही बल्ले, चाट पापड़ी, गोलगप्पे, पनीर चिल्ला और क्या बोलते हैं आलू चाट, ठीक है, गुजरात कचौड़ी। Thank you.